ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक मिनट, एक हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मीटिंग चल रही है तो मैं फ्री होके आपको रिप्लाई देता हूँ। गीता क्लास की मीटिंग चल रही है। ऑनलाइन में आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, है ना, क्लियर एकदम? ठीक है, ओके। तो हम 22 तक चर्चा किए थे। हाँ, गाइए गुरु परीक्षित प्रभु, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, क्लेदयन्ति अपो, न चैनम क्लेदयन्ति अपो, न शोषयति मारुत। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जला जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यस, 24-25 पढ़ लीजिए। अच्छेद्ययम् अदायम्, अक्लेद्य शोष्य इव च, सर्वगत स्थाणु अचल, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलयम् सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यस, नेक्स्ट 25 नील पद्मा माता जी। अव्यक्तायम अचिंत्ययम्, अयम अविकार्य अयम उच्यते, अविकार्य अयम उच्यते, तस्मातम एवं विद्वित्वा, तस्मात एवं विदित्वा नेन, नानुशोचितुम अहिंसा अर्हसि, अर्हसि नानुशोचितुम अर्हसि। यह हाँ गाओ। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यस, तो आत्मा की विशेषताएं बता रहे हैं अभी, है ना। ये 22, 23, 24, 25 में, 22 में कह रहे हैं कपड़ों की, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है, और अस्त्र शस्त्र कोई काट नहीं सकते, और स्वर्गत हैं, है ना। 24 में कह रहे हैं कि स्वर्व सर्वगत हैं, यानी आत्मा ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता है ना, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में इसको शरीर
दिया जा सकता है और वहाँ पर ये आत्मा शरीर प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी की आत्मा है स्वर्ग लोक नहीं जा सकती या दूसरे प्लेनेट में नहीं जा सकती, वहाँ दूसरी आत्मा हो, है ना। ब्रह्मांड में कहीं पर भी है जाकर शरीर धारण कर सकता है, ठीक है ना, सर्वगत है। और 25 में देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, तात्पर्य में देखिए जहां तक, यानी दूसरी लाइन, जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि लोग आपसे बहस कर सकते हैं कि आप ये इतना बता रहे हो, किसने देखा है, आप तो दिखा सकते हो आत्मा को, आपने देखा है किसी की आत्मा को, देखा आपने, आप दिखा सकते हो, आपके गुरुजी ने देखा है, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है आपसे, ऐसा तर्क कर सकता है। आप कह रहे हो नहीं नहीं हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा ऐसा होता है, आत्मा ऐसा होता है, तो किसी ने देखा है क्या, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है आपसे, है ना। तो ऐसे में आपको क्या आंसर देना है, आपको बताना है श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, है ना, जो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसको श्रुति के प्रमाण से हमको, मतलब श्रुति प्रमाण यानी शब्द प्रमाण से ही इसको मानना पड़ेगा, है ना। ईशोपनिषद की चर्चा में आता है कि तीन प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये तीन ही प्रमाण होते हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही कैसे पता चला हमारा सीएम कौन है, कैसे पता चला, प्रत्यक्ष जाके देखा था विधानसभा में, अनुमान लगाया था, अनुमान लगा भी सकते हैं, लेकिन अनुमान तो कोई लगा ले कि मैं प्रधानमंत्री बन गया आज से, तो उस अनुमान से क्या है, अनुमान तो कुछ है ही नहीं। और शब्द प्रमाण से आया, है ना, वहाँ पर जारी किया गया कि मुख्यमंत्री राजस्थान के ये हैं, और वो फिर शब्दों के द्वारा या तो बोलकर ऑडियो न्यूज़ से द्वारा, है ना, ऑडियो वीडियो न्यूज़ से, या फिर शब्दों को छापकर न्यूज़पेपर के द्वारा, तो शब्दों के द्वारा हमारे पास आया, है ना। तो इस संसार में भी कोई ज्ञान होता है शब्दों के द्वारा ही प्राप्त होता है, उस शब्दों के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को ही हम सटीक मानते हैं, है ना। तो अब अगर हमको ये आत्मा के प्रमाण आदि इनको पढ़ना है तो इनके बारे में जानना है, है ना, आत्मा परमात्मा भगवान, है ना, जितना भी प्रकृति, इनके बारे में शब्दों के द्वारा जानना पड़ेगा। और शब्द किन के, जो इससे परे हैं, जो इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, वो भगवान, उनके शब्द, और उनके शब्द हैं वेद, और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है ना, वेदों का एक नाम श्रुति भी है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रुति प्रमाण से ही हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे हम जनरली आत्मा का प्रमाण दे सकते हैं, है ना, कि देखिए जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर आप बताइए, ठीक है ना। तो श्रद्धावान व्यक्ति इतने से समझ जाएगा कि हाँ यस, तो इसमें अंतर आज तक कोई बता नहीं सका, ठीक है ना, कि क्या अंतर है, वो क्या चीज़ है जिसके जाने से वो जीवन चला गया, वो जीवन किसके आधार पर टिका हुआ था उसके अंदर। तो उसको श्रद्धावान व्यक्ति स्वीकार कर लेगा कि यस हाँ हम नहीं बता सकते, यहाँ आकर अभी तक कोई बता नहीं पाया है ये क्या कारण। और जो पदार्थ में जीवन बताने वाले हैं वो लोग कितने वर्षों से शोध कर रहे हैं अभी तक निकाल नहीं पाए, है ना। मैंने सुना था कि एक जो
मिस्र के पिरामिड वगैरह या कई जो राजा महाराजा अपने वो मम्मी बना देते थे अपनी बॉडी को, बोले इसको जलाना मत, गाड़ना मत, रखना, बोले कभी न कभी ऐसा होगा कि मैं फिर से जीवित हो जाऊं। यानी उनका ये था मानना मेंटलिटी कि ये पदार्थ में ही जीवन है, तो मैं मरा हूँ, हो सकता है कभी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं वापस जीवित हो जाऊँ, कोई मेरे को जीवित कर दे, है ना। तो लेकिन वास्तव में जो जीवन है वो आत्मा में है, न कि पदार्थ में, और इसको श्रुति प्रमाण से हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अश्रद्धालु व्यक्ति, आप कितना ही आत्मा के बारे में समझो, वो तर्क खड़ा कराए रहेगा, बोले किसने देखा, क्या देखा, दिखा सकते हो, ये करो वो करो, हालांकि वो खुद जवाब नहीं दे सकता कि भाई जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर है, बताओ, वो खुद नहीं बता पाएंगे, कोई भी नहीं बता पाएंगे ये क्या अंतर है। ये अंतर स्पष्ट लिखा है शास्त्र में, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आप प्रयोग द्वारा हमको सामने दिखाओ, है ना। तो भगवान एक एग्जाम्पल भी देते हैं 13वां नंबर श्लोक कि बताओ तुम वही हो लेकिन तुम्हारा शरीर पूरा बदल गया, ये एग्जाम्पल सामने है। हाँ, कौमारम यौवनम, जरा बचपन से बड़े, बड़े से बूढ़े, शरीर पूरा बदल गया, है ना। अभी चतुर्भुज जी जब 7 साल के थे तो उनका शरीर ऐसा ही था क्या, है बिल्कुल अंतर, शरीर बदल गया, लेकिन चतुर्भुज जी को पूछो कि वो व्यक्ति अलग था और ये अलग है क्या, और कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल मैं ही था वो जो 7 साल का था, है ना, ये अभिमन्यु प्रभु जी का बच्चा। छोटा एग्जाम्पल भी सामने आ गया। हाँ, मैं इस उम्र में था, वो मैं ही था, लेकिन शरीर पूरा बदल गया, एग्जाम्पल है। लेकिन फिर भी क्या है कि अंततः कोई व्यक्ति अगर तर्क करे तो उनको फिर यही बताना है कि भैया शब्द प्रमाण से ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अपने पिता को सभी शब्दों के प्रमाण से स्वीकार करते हैं, किन के शब्द, माता के शब्दों से, नास्तिक व्यक्ति को भी बोल सकते हैं भैया तुम्हारा पिताजी कौन है, ये तुमको किसने बताया, तुम कौन सी प्रयोगशाला में करके बताएं, है ना, मम्मी ने कहा माना ना। तो ऐसे ही श्रुति मीन्स माता, वेद माता है जो पिता कृष्ण के बारे में बताते हैं और कृष्ण के अंश, प्रकृति, काल, कर्म सब के बारे में बताते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब 26, 27, 28 तीन पढ़ेंगे। ऑनलाइन में कोई पढ़ना चाहेंगे, रेणुमयी माता जी पढ़िए 26, 27, 28। कैसे होगा उनका अनम्यूट, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्नसे मृतम्, तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किन्तु यदि यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, 27, 28। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम्, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थे त्वं सोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित
निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपहार कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यस 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधानविदेतत्र तत्र का परिदेवना सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो अब देखिए तीन श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा का, यद्यपि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है ना, और शरीर जो है उसका भी जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होता है और विनष्ट होता है, तो जन्म किसका हुआ ही नहीं। फिर भी अगर मानते हो कि जन्म होता है, नहीं नहीं होता है, या मान लो कोई नास्तिकतावादी विचार हो कि नास्तिकतावादी विचार हो कि चलो हम कोई आत्मा वगैरह को नहीं मान रहे, तो भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तो भी इस संसार में जो जन्म लिया है वो कोई जिंदा नहीं बचा आज तक, जन्म लेने वाले को मरना पड़ा ही है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम, है ना, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है, है ना। और जो जितने भी पदार्थ हैं ये पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और इवन जब ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं हुई थी तब भी ये पदार्थ सारे के सारे विद्यमान रहते हैं अव्यक्त रूप में, है ना, प्रधान के रूप में। 24 तत्वों में से जो एक तत्व है प्रधान और बाकी 23 तत्व हैं, जिनमें 5 तो ये मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश और 10 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, ठीक है, और 3 मन बुद्धि अहंकार, तो 23 हुए और 24 हुए प्रधान, यानी कि इनकी अव्यक्त अवस्था। और तो अव्यक्त अवस्था में भी रहते हैं और फिर अभी सृष्टि हो रखी है तो सब पदार्थ इधर उधर बिखरा है, इधर बहुत सारी वैरायटी के रूप में, शरीरों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, घरों के रूप में, ये सब पदार्थ, और जब प्रलय वापस आ जाएगी तो फिर प्रधान के साथ जाके मिल जाएगा। तो घटा क्या, फिर क्यों शोक कर रहे हो, है ना, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे लिए कई बार क्या होता है, भक्त के कोई परिवार में, कोई रिलेशन में, कोई खास मित्र, कोई ऐसे, है ना, कोई खास रिलेटिव, जब कोई ट्रेजडी हो जाती है तो वो बहुत शोक में पड़ जाते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं लगभग। तो हमको भगवद गीता से ये बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है हमको, है ना। अगर ये विचार हो कि नहीं 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 वो तो हमारा ये था ही ना खास, तो पहले भी था, वो शरीर बनने से पहले भी पदार्थ थे, अभी भी, और वो पदार्थ आगे भी रहेंगे, ठीक है। अभी 29-30 कौन पढ़ेंगे, गोस्वामी माता जी। हमको गोस्वामियों का एसोसिएशन बिना प्रयास के मिल रहा है। ठीक है ठीक है, तो अभी
देखो इसकी राग ऐसे होती हैं, है ना, इसकी राग ऐसी होती है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कश्चिदेनम, ये जो मैं ना ये ऊपर लगेगा न के बाद में, है ना, कश्चिदेनम आश्चर्यवत आश्चर्यवत वदति तथेव चान्य, आश्चर्यवचेन मन्य श्रणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चि, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझता। देखो अब भगवान कह रहे हैं, है ना, तो आप लोगों में से आपने आज या इससे पहले जब कभी आत्मा के बारे में सुना तो कोई आश्चर्य हुआ था क्या? ईमानदारी से बताइएगा। अभिमन्यु प्रभु बताएंगे, आत्मा के बारे में सुनकर आपको पहली बार सुना था कभी, या आज सुन रहे हो, या अभी पिछले वीक्स में सुना, सुन के कुछ आश्चर्य हुआ? दंडवत पूजी, आत्मा के बारे में आश्चर्य अभी तो नहीं हुआ, सुना था कुछ। हाँ तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ आश्चर्य हुआ था क्या? हाँ एकदम से भाई आश्चर्य ये हुआ था, उनकी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम पहले ये समझते थे कि भाई हाँ मैं हूँ, और फिर बाद में जब डिटेल में आया कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं अंदर कुछ और वास्तव वो है आत्मा, उसी के द्वारा ये शरीर चलायमान है। ये फिर आश्चर्य का विषय था जब फिर समझ में आया कि मतलब ऐसा है। ओके ध्रुव परीक्षित प्रभु बताइए, कुछ आश्चर्य हुआ? ठीक है, इधर कौन बताएंगे? अर्चना सिंह माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन करो हाँ। दर्शन दो। सुना तो प्रभु जी कब पहले ऐसे आत्मा के बारे में, शरीर छोड़ दिए आत्मा। हाँ तो क्या तो क्या क्या आश्चर्य हुआ? उसका कोई जीवन से कुछ रिलेट किया क्या? सुना ऐसा तो कुछ है, मतलब घर का कोई जाता है सदस्य तो वो तो ही ऐसे। कुछ कुछ और पूछ रहे हैं आप, कुछ आंसर और कुछ? हाँ नहीं सही कह रहे हैं, जैसे कोई नहीं ये कह रहे हैं कि जैसे कोई परिवार में अगर कोई चला जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो उस समय ये ज्ञान काम करता, ये कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो उस समय क्या क्या काम करता है? मतलब पहले जब ये नहीं पता था, इस कौन से नहीं जुड़े थे, जब नहीं पता था तब में और अब के व्यवहार में क्या फर्क आया? विचार में व्यवहार में क्या फर्क आया? जमीन आसमान का फर्क आया है प्रभु जी। बताइए जमीन कौन सी, आसमान कौन सा? नहीं कुछ प्रैक्टिकल बताइए। नील मुझे में कुछ भी नहीं पता था प्रभु जी। हाँ आप जब आए थे घर में हमारे, तब तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, धीरे 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 सीखी हूँ तो यहाँ तक पहुंची अभी। अच्छा आपके घर वो सेमिनार एनरोल कराने आए थे? नहीं बाद में आए थे भक्ति वृक्ष के अंदर। ठीक है इधर नील पद्मा माता जी। मैंने पहले तो ऐसे था कि
जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद में कहाँ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन रहते थे दिमाग में। तो फिर उसके बाद में धीरे 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 था एक कॉन्शियस, मतलब ऐसे अनकॉन्शियसनेस थी कि क्या होता है जानने की इच्छा थी, मतलब कि वो क्या होता है, क्या होता है जानने। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पता चला। तो अब प्रभुपाद जी की जब अपन वो देखते ना, क्या बोलते हैं वो जो भक्ति चारू महाराज ने उनकी वो बनाई ना मूवी जर्नी, तो उसमें एक एक टाइम पे उनके शिष्य है ना, उनके शिष्य किसी प्रॉब्लम में फंस रहे होते हैं, तो उनको कोई मार रहा होता है, कोई गुंडे वगैरह उनको मार रहे होते हैं। तो उस टाइम ये प्रैक्टिकल उन्होंने बताया है कि हाँ लो मारो मारो मेरे शरीर को, मेरे शरीर को तो कोई फर्क, मेरी आत्मा तो कोई फर्क, कोई आत्मा को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा शरीर तो ये है ही नहीं। तो ऐसे मुझे वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमेशा याद आता है जब ये चीज़ होती है उस मूवी का। यस, और नेक्स्ट ऑनलाइन में कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आत्मा के बारे में जान के आश्चर्य हुआ हो, मतलब उससे। हाँ मैं बताऊँ थोड़ा प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए। प्रभु जी मैं जब फर्स्ट टाइम इस कॉल में क्लास ली थी ना, हाँ तो सांत्वना से प्रभु जी क्लास दे रहे थे, तो तब उन्होंने बताया आत्मा के बारे में। हाँ। तो तब तो फर्स्ट डे तो ऊपर निकल गया कि क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा का हम अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर जब सेकंड बार क्लास सुनी प्रभु जी की, तब तो पता लगा कि मतलब शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस पता लगा जब कोई, फिर जैसे किसी की मृत्यु होती है तब पता लगता था कि अरे नहीं शरीर अलग है, आत्मा तो चली गई, शरीर कितनी पड़ा है ये। तो फिर उससे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा, मतलब लाइफ में बहुत चेंज आया उससे। ठीक है, तो लाइफ का चेंज भी बताइए थोड़ा कि क्या चेंज आया। अभी पहले ये था और अब ये है, ऐसा बताइए। तो जैसे चेंज ये आया कि जैसे मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, तो उस टाइम मतलब थोड़ा हम बद्ध जी में मदर थी तो थोड़ा सा रोना आया था, थोड़ा मतलब शोक व्यक्त किया था, पर मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को यूं नहीं होता कि बहुत रो रहे हैं, मतलब वो पछता रहे हैं, वो चीज नहीं हुई थी, ये फर्क पड़ा था प्रभु जी। मतलब आत्मज्ञान याद आ गया, आत्म तत्व ज्ञान। जी जी प्रभु जी। ओके ओके, और कोई नीरज प्रभु। पहले प्रभु जी हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे एक कजन चाची एक्सपायर हुई थी, तो जब वो एक्सपायर हुई थी उससे पहले उनकी सासू माँ उनको बहुत प्रताड़ित करती थी, परेशान करती थी, और वो बीमार होकर एक्सपायर हो गई। तो एक्सपायर हो जाने के बाद में अड़ोसी पड़ोसी को वो दिखने लगी, मुझे वो दिखी है, मुझे वो दिखी है। एक तो बेहोश हो गई, बोले मुझे अभी अभी दिखी आई है, मैं बेहोश हो गई भाई। तो मैं वो व्यवहार में बहुत अच्छी थी, तो मैं उनसे वो एक्सपायर कर रही है उसके बाद में मिलना चाहता था। तो मैं बाहर चबूतरे थे हमारे गांव में, बाहर सो जाता था मैं, देखो आए तो सही, मैं मिली तो सही, लेकिन वो मुझे कभी मिली नहीं। और उस समय ये रिलैज हुआ कि आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है, वो तो एक्सपायर बॉडी तो चल गई लेकिन वो दिख रही है लोगों को। और अभी जब देखते हैं, अभी आपके साथ संपर्क में आने के बाद में, तो लोग जो कोई हीरो बन रहा है, कोई बाल संवार रहा है, तो लगता है कि ये शरीर को व्यवस्था कर रहा है लेकिन ये आत्मा अलग है, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ऐसा लगता है लोगों को देखते। यस, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरा वीडियो बंद क्यों गया? प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इस बारे में। हाँ हाँ। कि जैसे सुनते रही है कि 13 दिन तक आत्मा घर पर ही घर में ही रहती है, ऐसा होता है क्या? वो ये अलग क्वेश्चन है, इसकी चर्चा कभी और करेंगे। है ना, उसमें क्या है कि जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया कि 9 दिन तक रहते हैं, दसवें दिन जाते हैं, है ना। और श्रीमद् भागवतम में शॉर्ट में बताया गया, तो वहाँ पे बताया गया कि यमराज के दूत तुरंत ले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है, कई अलग अलग कारण हो सकता है, पापी व्यक्ति को तुरंत ले जाता है, पुण्यवान को थोड़ा कम पापी, थोड़ा पुण्यवान मिश्रित कर्म उनको थोड़ा छोड़ते हैं, जो भी है।
बहुत सारी वैरायटी है, उनके भी वैरायटी है बहुत सारी, है ना, सिस्टमों में भी। तो ठीक है, मेरे को नीचे ठीक लग रहा है, मैं लोग सोच रहा हूँ नीचे ही बैठ जाता हूँ, नहीं ये ठीक लग रहा है। ओके हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि इसके बारे में, आत्मा के बारे में सुनकर कोई आश्चर्य करता है, कोई देखकर करता है, देखकर मतलब कोई शरीर आत्मा छूट गया, आश्चर्य करता है कि देखो कितनी कमाल की बात है, आधे घंटे पहले जो बात कर रहा था या कल तक जो बात कर रहा था वो व्यक्ति अभी हिल भी नहीं रहा, कितना आत्मा आश्चर्य बात है ना। और कोई दूसरों को बताते हुए आश्चर्य करता है कि देखो कितने गजब की आश्चर्य है ना, छोटा सा आत्मा हाथी के शरीर को उठा रहा है, वही हाथी का शरीर जब वो आत्मा निकल जाए तो उसको क्रेन बुलानी पड़ती है, कितने आश्चर्य की बात है, है? और वो आत्मा है तो ये चमक है शरीरों के अंदर, और अगर वो आत्मा नहीं है निकल जाता है तो अच्छे से अच्छा मिस वर्ल्ड हो, कोई मिस मिस्टर इंडिया हो वो सब थोड़ी देर में मतलब सूरत उनकी बिगड़ने लग जाती है ना, ठीक है। तो ऐसे आश्चर्य की तरह करते हैं। 30 नंबर श्लोक है ना, देहि नित्यम अवध्योयम्, देहि नित्यम अवध्योयम्, देहे सर्वस्य भारत, सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान कॉन्क्लूजन दे रहे हैं वापिस से आत्मतत्व ज्ञान पर वापिस आकर, क्योंकि ये आत्मतत्व ज्ञान का आखिरी श्लोक है। 11 नंबर से भगवान शुरू किए थे और ये 30 नंबर तक आत्मतत्व ज्ञान बताएं, तो अब ये आखिरी श्लोक इसमें कह रहे हैं कि देखो शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है तुमको। तो क्यों, कोई तुम्हारे दादा हैं कि गुरु हैं कि और हैं, किसी कोई मार ही नहीं सकता ना। क्या कह रहे हैं, किसी भी जीव के लिए शोक कभी भी वध नहीं किया जा सकता, तो किसी का वध हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप लोगों को कभी शोक होगा? अनिल जगन्नाथ प्रभु कह रहे नहीं होता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमको वास्तव में जो दुख होता है ना, वो इस चीज का दुख होता है कि वो व्यक्ति जो है उससे हमारा साथ छूट गया, है ना। शरीर के लिए नहीं करना चाहिए। और जनरली क्या होता है संसार में, जो लोग शोक करते हैं ना, ज़्यादातर लोग अपने लिए करते हैं। एक बार पंचरत्न प्रभु एक एग्जांपल दे रहे थे कि एक व्यक्ति ने ऐसे कुछ कमिटमेंट किया था कोई डोनेशन वगैरह के लिए, लाइफ मेंबर बनने के लिए, लेकिन उसका कोई प्रारब्ध था कि वो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसने बुलाया था दूसरे दिन, बोले आ जाओ, तो दूसरे दिन उनके घर गए तो पता चला कि वो तो उनकी डेथ हो चुकी। तो वो देखिए घर पे जब लोग, जितने लोग सब जो रो रहे थे, वो उनका ध्यान से उनका विचार किया, बोले ये लोग क्या बोल रहे हैं, बोले अरे मेरा क्या होगा, पत्नी कह रही है ये मेरे चले गए, मेरा क्या होगा बच्चे कह रहे हैं कि हम तो अनाथ हो गए, हमारे तो वही थे, है ना, और दूसरे जो भी और बाकी परिवार के सदस्य, अरे हमारा तो एक ही सहारा जीवन का, ये चला गया। यानी कि शोक किसके लिए कर रहे हैं, वो लोग अपने लिए कर रहे हैं कि देखो उनका सुख जो है वो चला गया,
उनको जो सहारा देने वाला, सुख देने वाला जो है वो मतलब व्यक्ति चला गया। उस व्यक्ति के लिए कोई नहीं कर रहा कि मतलब ये बेचारा देखो कम उम्र में ही चला गया, ये जीवन जीता, थोड़ा जीवन लक्ष्य प्राप्त करता, कुछ करता, उसके लिए बहुत कम मिलेगा ऐसा, है ना। ज्यादातर अपने लिए होता है कि हमारा क्या होगा, अरे हमारे तो यही है। हाँ ये भौतिक जगत का स्वभाव है। व्यक्ति तुरंत क्या होता है, जो भी जो देह आत्मा बुद्धि में रहते हैं वो तुरंत अपने बात करेंगे, मतलब शरीर के स्वार्थ की बात करेंगे, शरीर इंद्रियां मन के, है ना, ये प्राकृतिक है, ठीक है ना। इसीलिए भगवान आगे देखिए बताएंगे 43 नंबर श्लोक में, 43 में सॉरी, इस बारे में। ओके, अब एक बात और है यहां पर सीखने को मिलती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस तात्पर्य में, देखिए फोर्थ लास्ट लाइन, यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो बहुत सारी बात बता दी प्रभुपाद छोटी सी इंग्लिश में, है ना। तो यद्यपि आत्मा अमर है, अब पता चल गया कि आत्मा तो मरता नहीं है, है ना, और शरीर जो है वो तो नश्वर है, पदार्थ है। तो अब तो किसी को चाकू घोंप दें, गोली मार दें, है ना, और मजिस्ट्रेट कहेगा तो वो कहेंगे कि कौन मरा और किसने मरा, न कोई मार सकता है न मारा जाता है। तो लोग बात करें इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। आप ये नहीं कि चलो तो आत्मा तो मरता नहीं है तो मैं किसको मारा, तो उस किसी का शरीर, है ना, आत्मा को शरीर से अलग करने का आपको अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि किंतु फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता। युद्ध के समय हिंसा करनी पड़ती है, है ना। दूसरा रूपा जी बताते हैं क्षत्रिय लोग जो होते हैं उनको पहले युद्ध के प्रशिक्षण के लिए पहले जंगल में, है ना, शिकार करते हैं लोग, शेर के साथ लड़ते हैं, है ना, और शेर के साथ लड़के शेर को फिर परास्त करते हैं, और इस तरह से वो मतलब वो लड़ना सीखते हैं, और इसमें कई पशुओं को मारते भी हैं जंगल में, क्योंकि वो मारेंगे ना तब जाके वो युद्ध में सामने हजारों लोगों को मार पाएंगे, अन्यथा क्या गोली चलेगी नहीं, है ना। बहुत साल पहले एक बॉर्डर पिक्चर आई थी तो उसमें देखा था वो मेजर का बेटा, उसको बोला इस आतंकवादी को मारो, मेजर ने कहा मारो, तो उससे गोली चली नहीं। उसने कॉलर पकड़ के निकाल दिया, बोले तुम मिलिट्री में रहने लगे, है ना। तो वहां पर क्या फिर गोली चलेगी नहीं युद्ध के मैदान में, तो इसलिए उनको हिंसा की छूट होती है, है ना। दूसरा, युद्ध में हिंसा की छूट होती है क्योंकि कभी कभी क्षत्रियों के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है, पर फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी आवश्यकता, यानी जो ये हिंसा की आवश्यकता है, ये भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। ये नहीं कि युद्ध में हिंसा की आवश्यकता है, अब हमसे हमारा किसी से द्वंद्व युद्ध हो गया था जी तो हमने हिंसा कर दी, लगा दिया, नहीं नहीं, वो भगवान की इच्छा क्या, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के आधार पर, ठीक है। अब इकतीस से लेके और 37 तक स्वधर्म के बारे में भगवान बताएंगे, ठीक है। पढ़िए अनिल जगन्नाथ प्रभु, पढ़िए 31 नंबर। स्वधर्म पीचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यादि युद्धाक्षेयो, न क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है।
अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध है ना, धर्म युद्ध सर्वोच्च होता है क्षत्रिय के लिए, ठीक है ना। सर्वोच्च कार्य, टॉप मोस्ट कार्य क्षत्रिय के लिए होता है धर्म युद्ध करना, अगर धर्म के लिए युद्ध करना पड़े, है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को अब उसका नियत कर्म बता रहे हैं कि ठीक है, अब तुम जहाँ पे जिस स्थिति में स्थित हो वहाँ तुम्हारा नियत कर्म देखो। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना और युद्ध से कभी पीछे नहीं हटना। तो जब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, है ना, आखिरी समझौता कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, तो उस समय कुंती महारानी ने एक वो संदेश दिया था उनको श्री कृष्ण के हाथों युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो उसमें एक स्टोरी बताई थी, है ना, वो विदुला नाम की एक छत्राणी माता थी, तो उनका बेटा था संजय। तो वो संजय क्या हुआ कि युद्ध में वापस हार कर आ गया, मतलब शत्रुओं से पराजित होकर आ गया था घर पे। तो उसकी माता ने उसको कहा, धिकार है तुम पर, हमारा पूरे खानदान का कलंक बन गए हो तुम, तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते, नहीं तुम अपने पिता के वीर्य से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा मतलब ये सारा मतलब कुल का तुम नाम खराब करने वाले हो, तुम आए ही क्यों, तुम वहाँ पर लोहे के स्तंभ की तरह वहाँ खड़े रहना चाहिए था तुमको, है ना, चाहे तुम्हारे मृत्यु क्यों ना जाए, वापिस आए क्यों, है ना। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, जब श्रीमद् भागवतम में शाल्व ने अटैक किया था द्वारकापुरी पे, है ना, शाल्व ने क्या किया कि शिवजी की तपस्या करी थी और करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया था और करके कहा कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं यादवों को हरा सकूं। तो ऐसा जब कहा तो शिवजी ने उनके लिए कहा कि ठीक है, तुम यादवों को तो क्या परास्त कर पाओगे, लेकिन तुमको मैं लड़ने के लिए अच्छे अस्त्र शस्त्र देता हूँ। तो मैं दानों को बोला शिवजी ने कि इसको एक बना दो, एक फ्लाइट बना दो नया बढ़िया सा लड़ाकू विमान, है ना, फाइटर प्लेन बना दो इसको अच्छा सा। तो मैं दानों ने ऐसा प्लेन बनाया जो पूरा का पूरा उसके राज्य की सारी सेना उस प्लेन के अंदर आ जाए और वो आकाश में उड़ता और उड़ते हुए युद्ध कर सके। तो ऐसे करके वो उड़ते हुए युद्ध करने, यार मायावी था पूरा एकदम प्लेन, कहीं से भी अचानक गायब हो जाता था, उधर से इधर प्रकट हो जाता, उधर से इधर प्रकट हो जाता, है ना, कभी ऊपर गया आकाश में, कभी नीचे ड्रोन की तरह। तो ऐसे करके लड़ रहा था, तो उसका फिर भी यादवों की सेना से प्लेन नष्ट होने लग गया था। तो उस समय उस उनका जो सेनापति था, मंत्री द्युमान नाम का मंत्री था, तो वो पहले तो प्रद्युम्न की गदा से परास्त हो गया था। बाद में क्या हुआ कि द्युमान अचानक आया और आकर लोहे की गदा से प्रद्युम्न के छाती में धड़ से मार दिया था और वो गदा लगते ही कुछ क्षण के लिए प्रद्युम्न मूर्छित हो गए थे। ऐसे मूर्छित हो गए तो तुरंत क्या किया कि उनके सारथी ने रथ को घुमाकर द्वारका की तरफ ले जाने लग गया, मतलब अंदर महल की तरफ। तो प्रद्युम्न को होश आया, होश आते ही तुरंत सारथी को डांटा, बोले रे मूर्ख क्या कर रहे हो तुम, क्यों मेरे को तुम उधर से लाए, मुझे मेरा बोले यदु कुल में आज तक कोई युद्ध से पीछे नहीं हटा, तुम मेरे को पूरा एकदम बदनाम कर रहे हो, सब लोग मेरे को, जब मैं अपने पापा चाचा के साथ पास जाऊंगा कृष्ण बलराम तो क्या कहेंगे, पापा और ताऊ जी, है ना, तो क्या कहेंगे, बोले कि तुमको ये युद्ध से भागने की कायरता किसने सिखाई रहे, और तो और महल के अंदर मेरी भाभियाँ, है ना, और मेरे जो मम्मी की जो और सोते हैं वो सब तुमको कहेंगी, मेरे को कहेंगी, बोले कहाँ से तुम यही है भागवत में यही नाम दे बोले वो सब कहेंगी कि अरे प्रद्युम्न ये कायरता कहाँ से सीखी है तुमने, तुमने मेरे को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, मेरा कलंक लगा दिया मेरे ऊपर, तुरंत लो वापस रथ को, मतलब गाड़ी को घुमाओ, बोले हाँ गाड़ी घुमा के तुरंत वापस युद्ध के मैदान में जाके फिर से लड़ने लग गए, है ना। तो क्षत्रिय ऐसे होते हैं,
अब ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्वधर्म की बात आई है, तो स्वधर्म को थोड़ा समझते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, देखिए लास्ट पैराग्राफ। स्वधर्म दो प्रकार का होता है, मिला लास्ट पैराग्राफ को शुरू से। स्वधर्म दो प्रकार का होता है, हाँ स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, ठीक है। यहां मुक्त शब्द का अर्थ है कि इस शरीर में रहते हुए ही प्रकृति के गुणों को लांग नहीं जाता, ठीक है। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक हमको हमारा जो नियत कर्म होता है करना रहता है, ठीक है ना। जब तक हम इस जैसे प्रकृति के तीन गुणों को लांग नहीं जाते, यानी कि हम जब तक तमोगुण रजोगुण सतोगुण के अंदर जब तक हम खेल रहे हैं, हमारी जो चेतना है तमोगुण सतोगुण रजोगुण के अंतर्गत जब तक कार्य कर रही है, इनके द्वारा जब तक कंट्रोल हो रही है, तब तक हमारे लिए क्या है, जो नियत कर्म है उसको करना अनिवार्य है। अगर नियत कर्म नहीं करेंगे तो भगवान आगे बताएंगे कि नियत कर्म करने से पाप लगता है ना, यश खो जाता है। नियत कर्म नहीं करने से, नियत कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा और यश खोगे, है ना। और ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए तो कंपलसरी है, वैश्य शूद्र के लिए भी ये होता है कि वो करे ही करें, है ना, अपना नियत कर्म, ठीक है। नियत कर्म मतलब जैसे कि स्वभाव जनित कार्य, शरीर का स्वभाव जनित कार्य। जैसे सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण का कार्य करेगा, उसका स्वभाव क्या ब्राह्मणी कल है तो वो ब्राह्मण का कार्य करेगा, पठन पाठन, है ना, वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा और दूसरों को कराएगा, यजन याजन, है ना, पूजा करेंगे करवाएंगे, है ना। और दान प्रतिग्रहण, तो दान करते हैं मतलब वो ज्ञान का दान करते हैं नित्य प्रतिदिन, और प्रतिग्रहण बदले में कुछ उपहार स्वरूप कुछ मिलता है तो स्वीकार करते हैं, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय का कार्य जो 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, है ना, उसके सात प्रकार के कार्य हैं, ये लक्षण है ये सात, है ना। बाकी क्षत्रिय का कार्य है प्रशासनिक कार्य, राज्य को चलाना, प्रजा पालन करना, सुरक्षा करना राज्य को, और युद्धस्य पलायन, युद्ध हो जाए तो उसमें पीछे नहीं हटना। तो ऐसे नियत कर्मों को करना। और दूसरा नियत कर्म है आत्मा का, ठीक है। तो ये आत्मा का नियत कर्म धीरे धीरे आगे आएगा। देखिए यद्रक्षया च उपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब अर्जुन देखिए शुरू में क्या कह रहे थे कि अगर ये युद्ध हुआ तो नरक में जाना पड़ेगा हमको, पर भगवान कह रहे हैं कि अगर हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं, है ना। क्योंकि जब कोई क्षत्रिय जब कोई युद्ध में मारा जाता है तो उसको बाय डिफॉल्ट स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ कई यज्ञ दान तपस्याएं बहुत भरसक करनी पड़ती है तब जाके स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक
बहुत बहुत दान करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं और बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है, है ना। उसमें भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, रह जाते हैं, लेकिन अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में मारा गया तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ता है स्वर्ग की सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। तो इसीलिए क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध में क्या मरने से घबराते नहीं, उनको पता है कि अगर मैं युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत गया तो राज्य तो मिला हुआ है ही है, सामने वाले का राज्य भी मिल जाएगा, है ना। हाँ, जो जो वास्तव में क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं, है ना, सैनिक वगैरह सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जितने भी युद्ध में मारे जाते हैं ना सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, है ना। अगर वो ये समझ के करे ना कि मैं यह मेरा ये ड्यूटी है, तो लेकिन उसको ये है कि मेरे को तनख्वाह कम मिलती है, लड़ा रहे ज्यादा है मेरे को, और धान दूसरी तरह, तो उसका फल में फर्क आ जाएगा। हाँ, मेंटेलिटी बहुत मायने रखती है, है ना, किस मनोदशा में वो शरीर त्याग रहे हैं, तो अपना उसका कर्तव्य बोध है ना उस समय, तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, क्योंकि स्वर्ग लोक में सतोगुणी व्यक्ति ही जा सकते हैं, रजोगुण तमोगुण व्यक्ति नहीं जा पाते हैं, है ना। जिनके अंदर भौतिक कामनाएं आती है और होती है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो स्वर्ग में क्या सतोगुणी व्यक्ति जा पाते। तो ये कामना हो कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, तो कर्तव्य बोध के साथ लड़े, और कर्तव्य बोध क्या सतोगुण का लक्षण है, तो जो सतोगुणी होगा वो उस कर्तव्य बोध में स्थित रहेगा, है ना, चेतना उसकी थोड़ी कि मैं, तो फिर वो उसमें प्राप्त करेगा, है ना। नहीं, स्वर्ग में केवल भोगी नहीं है, स्वर्ग लोक में भी पूजा अर्चना आदि वो सात्विक विधि विधान से हाई स्टैंडर्ड की लाइफ है वो। ऐसा नहीं कि स्वर्ग लोक मतलब कोई जैसे यहाँ ताज होटल में पार्टी चलती है वैसा कोई है, स्वर्ग लोक है जो इस संसार में जैसे कोई जो जो आर्य लोग होते हैं, जो अभी तो नहीं है, मतलब जो वेदों के मामल धार्मिक नियमों से जीवन यापन करने वाले हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, तो वो स्वर्ग का थोड़ा सा डेमो उनको नजर आएगा, वो बहुत खुशहाली से एकदम संपन्नता से रहते हैं, सात्विक एनवायरनमेंट में रहते हैं, खूब उनका मतलब धन धान्य बंगला कोठी नौकर चाकर, लेकिन पूरा धर्म के नियमों के अनुसार यज्ञ दान तपस्या करना आदि पाप कर्मों से दूर रहना, ऐसे रहते हैं। जैसे उनको भगवान की स्तुति करने का अधिकार होता है, हाँ, एक हो सकता है एडवांटेज। हाँ। इंद्र तो दिखाते हैं हमें बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, लेकिन इंद्र जब सुबह सुबह जागते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं पहले, फिर अपना ड्यूटी करते हैं, अगर गलती हुई थी तो उस टाइम पे फिर बाद में भगवान से माफी मांगी, उनकी स्तुतियां भी तो करी थी। हाँ, है ना। ओके, नेक्स्ट कहाँ पढ़ लिया था अपन ने, 33 पढ़ी है कोई ऑनलाइन में, हीरानंद जी अनम्यूट करिए, आपका अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण बाबा जी, आवाज आ रही है? हाँ, 33 बाबा जी, मेरे पास वो नहीं है अभी। गीता हॉस्पिटल में, मैं डेंटिस्ट के आया हूँ, मेरे पापा को दिखाना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभिमन्यु जी पढ़िए। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्यस्यसि,
हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तू यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अब देखिए वो बात है ना जो पिछले वीक में श्लोक में चर्चा हो गई थी, है ना। तो युद्ध अगर ये नियत कर्म नहीं करेंगे तो नियत कर्म नहीं करने का पाप लगेगा। तो अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो नरक में जाऊंगा, और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, अगर युद्ध करोगे और मर भी गए तो स्वर्ग में जाओगे, न मरोगे तो संसार में राज्य भोगोगे और अपना नियत कर्म का पाप नहीं करने का पाप नहीं लगेगा, है ना। आगे अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्तिम् मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। देखो अगर नियत कर्म नहीं करोगे ना तो लोग धिक्कारेंगे, बोले कायर नपुंसक अर्जुन छोड़ गए चले गए युद्ध, है ना, पूरा क्या भारत कुल को, मतलब बार बार भगवान उनको भारत करके प्रयुक्त करते हैं कई जगह, है ना, क्योंकि ये महाराज भरत के वंशज हैं, है ना। एक महाराज भरत हुए थे वो जिनके नाम से भारत पड़ा प्रारंभ में, लेकिन ये भरत वंश भारत नाम से जो है वो महाराज भरत वो हैं जो महाराज दुष्यंत के पुत्र हैं, शकुंतला के पुत्र, है ना, जो विश्वामित्र ऋषि को तपस्या भंग करने मेनका आई थी। तो मेनका से विश्वामित्र मुनि का जब संग हुआ था तो उनका बेटी जन्मी थी शकुंतला, तो विश्वामित्र मुनि चले गए बाद में छोड़कर उसको, भी ठीक है संभालो। अब वो भी चली गई, बोले मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं यहाँ क्यों रहूँ। तो दोनों जंगल में छोड़ गए, है ना। फिर जंगल में वृक्षों ने उसकी रक्षा, नहीं शक नाम के कोई पक्षी थे उन्होंने उसकी उसका पालन किया था, तो इसीलिए शकुंतला उसका नाम पड़ा था कोई, ये ना वो पक्षियों के नाम से उन्होंने उसको पाला था। फिर वो शकुंतला वो एक ऋषि थे, नाम क्या नाम भूल गया मैं, उनके आश्रम में रहती थी, है ना। तो एक दिन राजा दुष्यंत जो थे वो वन में गए थे शिकार खेलने के लिए, तो उस समय उन्होंने वन में गए तो उनको कुछ भूख प्यास लगी, तो ऋषि के आश्रम में गए तो वहाँ पर उसको देखकर आश्चर्य में हो गए, बोले कि इतना सुंदर। और उसने कहा, उन्होंने कहा कि तुमको देखकर ये तो है कि तुम ब्राह्मणी तो नहीं हो, ऋषि के आश्रम में रह रही हो लेकिन तुम ब्राह्मणी तो नहीं हो, लेकिन क्षत्रिय से नीचे भी नहीं हो, क्योंकि हमारे इस यदुवंश में कोई क्षत्रिय से नीचे की मतलब वैश्य शूद्रों के प्रति कभी कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ, कभी मन जो है किसी हमारे वंश में किसी का क्षत्रिय से नीचे की वर्ण की कोई जो है स्त्री उसके ऊपर कभी आकर्षित नहीं हुआ। तो ऐसे करके पहचान मतलब बोले बताओ कौन हो, तो फिर उसने परिचय बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके, है ना, विश्वामित्र ऋषि के वो हूँ। तो फिर उसके उससे फिर राजा दुष्यंत ने विवाह किया था, और विवाह करके और फिर राजा दुष्यंत अपने राज्य में चले गए थे और वो वहीं रह गए थे, है ना, अंगूठी देके गए थे जो भी है। तो फिर वहाँ पर वो राजा भरत जन्मे थे, वो ऋषि के आश्रम में ही, है ना, रह रहे थे। तो ऋषि वापस आए तो शकुंतला ने सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो भरत जो थे वो इतने मतलब आश्रम में वहाँ रहते थे, वहाँ जंगल था, तो जंगल में शेरों के साथ ऐसे खेलते थे, मतलब शेर को साथ लड़ते थे, लगता था कि खेल रहे हैं। अब शेर ऐसा नहीं कि मारने उनको मारने का प्रयास करते थे, लेकिन एक बार अगर शेर को पकड़ लिया ना उसकी गर्दन, तो शेर की मजाल नहीं होती थी, वो पलट जाए कुछ पंजे से वार कर दे, इतने पावरफुल होते थे। और शेर के बच्चों को तो मतलब ये जब किशोर अवस्था में जब 12-15 साल के थे तभी शेर के बच्चों को तो आश्रम में ले आते थे
खेलने के लिए उठा के, तो बिना अस्त्र बिना हथियारों के वो शेर से लड़ते थे, शेर का गर्दन मरोड़ देते थे, मतलब अगर कुछ भी होता है, मतलब ऐसे बिना हथियारों के शेर को परास्त करना, मारना ऐसे। तो इसीलिए कहा कि तुम भारत हो, भारत के वंशज हो, है ना। और ऐसे मतलब भरत के वंश होकर, अर्जुन होकर तुम ऐसा करोगे, अपना युद्ध छोड़कर जाओगे तो क्या होगा कि लोग तुम्हारे अपयश असम्मानित करेंगे, धिक्कारेंगे, और तुम्हारे लिए वो मृत्यु से बढ़कर होगा, है ना। ठीक है, चले आगे, कंटिन्यू करें आगे। थर्टी सेवन तक करते हैं, ठीक है ना। भयाद्रणादुपरतम मंचन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव अहितान् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है अर्जुन? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प खड़े करके खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, तो यहां रखते हैं। इसका अर्थ सरल है, सबको समझ में आ गया। अब 38 नंबर से हम अगली वीक में चर्चा करेंगे। 38 नंबर में, अब 38 नंबर से जो भगवान अब भक्ति का इनडायरेक्टली ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले आत्म तत्व ज्ञान दिया, और फिर थोड़ा नियत कर्म के बारे में बताया। अब कह रहे हैं कि तुम 38 नंबर में आगे, यानी कृष्ण भावनामृत का ज्ञान का शुभारंभ। ठीक है, जो अगले वीक करते हैं। और अरे बोल, सदाचार वाली बुक लाना, वैष्णव सदाचार, वो पढ़ी वहां पे। और प्रभुपाद बुक लाया किसी पास है? वो सदाचार तो ना जल्दी, तो हम 10 मिनट है ना वैष्णव सदाचार से चर्चा करते हैं, और अगली बार प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। प्रभुपाद लीलामृत मतलब प्रभुपाद बुक पढ़ेंगे। ओके, तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कृष्ण भावनामृत का सार, वैष्णव आचरण, है ना।
तो भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। जितना सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे उतना ही टेंशन कम होगी संसार में, बिंदास रहेगा। जितना जीवन का स्टैंडर्ड ऊंचा बढ़ाएंगे उतना ही व्यक्ति को क्या होता है, मन को उद्विग्न करना पड़ेगा, है ना, ये प्रैक्टिकल है ना। और प्रभुपाद जी ने इसको उनके सात उद्देश्य जो है ना बताए उनमें से एक उद्देश्य ये है कि भक्तों को सादा जीवन और उच्च विचार को प्रशिक्षण करना। और भक्तों का जीवन कैसा हो उसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न हो की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। तो हमारा जीवन जो है वो इस आधार पर होना चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। प्रत्येक कार्य का हम इस तरह से माप करें कि श्री कृष्ण का स्मरण हो अधिक से अधिक। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जात उचित, ठीक है ना। यानी जो भी कार्य, जितने भी कार्य हम करते हैं सबका उद्देश्य है श्री कृष्ण का स्मरण अधिक से अधिक हो, ठीक है ना। उसी के लिए पूरा पूरे शास्त्रों का, जितने वैदिक शास्त्र है सबका जो मूल सार है वो यही है, सारे कार्यों का सार यही है। श्रवण करते हैं किस लिए, स्मरण है श्री कृष्ण का, है ना। कीर्तन करते हैं स्मरण के लिए, जितने भी जप कर रहे हैं कि स्मरण आए, है ना। हम ये गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे ओपन बुक क्लोज बुक, किस लिए, श्री कृष्ण का स्मरण आए, है ना। स्मरण के निमित्त ही है सारे के सारे, जितने सारे हम कार्य कर रहे हैं। तो इसी आधार पर हमको हर चीज को तोलना चाहिए। अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही व्रज के समान, वज्र के समान कठोर होते हैं, है ना। तो वैष्णव जो है अंतःकरण में कोमल होते हैं और साथ ही वज्र के समान कठोर होते हैं। तो वो अपने लिए कठोर होते हैं लेकिन दूसरों के लिए कोमल होते हैं, ठीक है। और वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं, है ना। देखिए वैष्णव जो है वो दूसरों के दोष नहीं देखते, वे दूसरों के गुण देखते हैं और खुद के दोष देखते हैं, दूसरों के दोष नहीं सुनते हैं। ये वैष्णव का आचरण है, है ना। तो हमको ये गुणों को अपनाना चाहिए, है ना। भले ही हम दूसरी तरफ कितने ही, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल देकर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम बहुत इतने बड़े भक्तों की ब्रह्मांड में महर्षि गण, देवता और महर्षि तुम्हारा स्पर्श कर लें तो वो पवित्र हो जाएंगे, ठीक है ना। वो यद्यपि वो लोग सतोगुण में है लेकिन फिर भी जो चेतना शुद्ध नहीं है वो चेतना उनकी शुद्ध हो जाएगी अगर वो सनातन गोस्वामी का स्पर्श कर लें। पर फिर भी तुमको सदाचार का पालन करना चाहिए, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं ना। सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता, है ना। सदाचार, सदाचार का एक अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं कि सत्य आचार, सत्य आचरण। सत्य आचरण का क्या मतलब होता है कि सत्य उसको कहते हैं कि जो भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो सत्य कहाँ है, झूठे हो गए ना। तो जैसे हमारा शरीर है ये क्या है, मिथ्या है, इसको क्या बोलते हैं, मिथ्या शरीर है। और मिथ्या शब्द जो है सत्य का विपरीत शब्द है। लेकिन भगवान का शरीर क्या है, सत्य शरीर है, है ना। तो सत्य उसको बोलते हैं जो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे रहेंगे। और जब इसको बड़े लेवल पर चिंतन करते जाएंगे तब पता चलेगा कि असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि से पहले भी जो थे और अभी भी हैं और प्रलय के बाद भी जो रहेंगे वो सत्य कहलाते हैं, है ना। यानी कि भगवान, भगवान विष्णु, भगवान गर्भोदक साई विष्णु, चिरोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु, है ना, ऐसे।
तो ये भगवान के जो विविध विस्तार हैं वो रहते हैं हमेशा, इस सृष्टि के पहले से भी, अभी भी हैं और बाद में भी रहते हैं। अभी पालन कर रहे हैं, बाद में प्रलय के बाद भी रहेंगे, तो वो कहलाते हैं सत्य। और ये सत्य के ऊपर जिनसे, जिनके ये विस्तार हैं, जिनके न बराबर है कोई न जिनसे बढ़कर है, उनको कहते हैं परम सत्य। तो श्री कृष्ण परम सत्य है, है ना। तो उन परम सत्य को जब कोई फॉलो करता है, उनसे जो युक्त होता है, है ना, उसको कहते हैं सत्य आचरण या सदाचार। सद आचार यानी सत्य आचरण। तो सद आचरण का मतलब होता है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इच्छा के अनुसार आचरण करता है, उनकी प्रसन्नता के निमित्त जब कोई आचरण करता है, तो वो कहलाता है सदाचार। ठीक है, तो उसके बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। अब देखिए, ठीक है, कोई सत्याचार कर रहा है ना, भक्ति कर रहा है, सत्याचार मतलब कृष्ण भावना जो अपना रहा है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक दृष्टि से उसमें अगर शिष्टाचार नहीं है, तो उस शिष्टाचार का पालन न करने वाला है, तो वो अगर कितने भी शास्त्रों में पारंगत क्यों ना हो, है ना, उसके लिए बता रहे हैं। देखो, शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता, अशुद्धता रहती है। और आगे कह रहे हैं, शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है, तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर कोई बहुत अच्छा भक्त है, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रखा उसने, बहुत सारे, बहुत शास्त्र ज्ञान हो गया उसको, है ना, और अच्छे भक्ति कर रहा है मान लो, लेकिन फिर भी अगर वो सदाचार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है ना, तो मृत्यु के समय उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, वो श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे, है ना। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है, है ना। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है, ठीक है ना। अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है, है ना। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा था कि ये क्या ऑल इंडिया रेडियो में शायद गए थे, तब पूछा था, या ऑल इंडिया रेडियो वाले आए थे उनके पास, तो पूछा था कि आपके अनुयायी जो हैं इनका मतलब क्या, नहीं ऐसे भक्त जो हैं, भक्त का क्या पहचान है, सब पूछा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो एक भद्र व्यक्ति होंगे, तो वो एक सभ्य व्यक्ति होता है। ओके, हरे कृष्णा, जय वैष्णव सदाचार ग्रंथ की जय, भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदई हरि हरि बोल।